फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PS Academy में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा पिछले वीडियोस में, हमने कुछ एक्सरसाइज को लिया हुआ था, कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, क्वेश्चन मैंने दिए थे जिनमें आप लोगों ने कमेंट करके दिए मुझे। मैंने उसमें देखा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमको क्वेश्चन में प्रॉब्लम जा रही है, कुछ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि वह क्वेश्चन जो है वो हमें कैसे करना है। तो सभी लोग मेरे साथ बने रहे हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे। ये हमारा मतलब फर्स्ट क्वेश्चन था। इस फर्स्ट क्वेश्चन का बहुत से फ्रेंड्स ने आंसर दिया और कुछ ने गलत भी आंसर दिया। इसके मैंने चार ऑप्शन दिए थे। इनमें आपका जो क्वेश्चन का आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा देख लेंगे क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है 27 डिवाइड 7 टू 9 डिवाइड 1 अपॉन 27 करेंगे हम लोग। 27 ये डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में हमने कन्वर्ट किया तो ये संख्या जो है वो चेंज हो जाती है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। मैंने आपको कल भी बताया हुआ था ऊपर वाली संख्या नॉमिनेटर, नीचे वाली डिनोमिनेटर, तो पलट जाएगी क्या आ जाएगा 1 अपॉन 7 टू 9, चूंकि बाय डिफॉल्ट इसमें 1 था। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, ये संख्या भी कैसी हो जाएगी, पलट जाएगी 27 अपॉन 1। फ्रेंड्स देखिए, ये हो गया, इसके बटे में भी कुछ नहीं था, मान लगा। अब बारी आती काटने की, यदि कट सकता है तो काट लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स वैसे तो 27 से डायरेक्ट काटते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर है, ठीक है, हम लोग काट लेते हैं। 27 से काटा कितना आ गया 27, ऊपर ये 27 से काटा 27 कितना आ गया 1, अर्थात ऊपर भी आ गया 1 और नीचे भी आ गया 1, नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1। सो फ्रेंड्स, हमने ऑप्शन में आपको 1 दिया ही नहीं था, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, स्टार्ट करेंगे जल्द से जल्द। यहाँ पर हमने, चूंकि मैं आपको दो स्टेप में बताऊंगा, ठीक है, यहाँ देखिए ये डिवाइड लिखा, उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लीजिए 4/5 मल्टीप्लाई, संख्या पलट जाएगी 10/8। कट सकता है तो इसको काट के सॉल्व कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 एकम, ये पूरी संख्या क्या हो गई 1। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर क्या बचा है 1। आगे देखेंगे, इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 2592। ओके, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 36 का हम गुणा करेंगे 72 में, 36 मल्टीप्लाई 72, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 और 1 7, 7 से 7 6 42, कैरी को 7 3 21, 25। देखिए फ्रेंड्स, इतना ही आया है क्योंकि मैंने अभी कर लिया था 2592, 2592 बराबर, यहाँ पर मल्टीप्लाई एक्स और ये 1 आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की, तो एक्स को यही ना पड़ेगा, ये संख्या जो है उसको इस तरफ ले जाना पड़ेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में। मैंने आपको बताया था यदि कोई संख्या जो मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू के दूसरी साइड यदि इसको भेजा जा रहा है तो ये बटे में आ जाती है, बटे अर्थात नीचे आ जाएगी 1/2592। सो फ्रेंड्स, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ये। हम लोग मैच करते हैं क्या हमारा कोई आंसर मैच करता है, नहीं करता, इसीलिए हमारा आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है 2100 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 84। हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना, क्वेश्चन मार्क को आप एक्स इमेजिन कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 2100, इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई, ये संख्या हमने क्या माना है, इसको हम बोल देते हैं एक्स, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या हुआ है, इसके बटे में हमेशा क्या है 1 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पलटाना पड़ेगा, तो ये क्या आ गया 1/x = 84।
हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की, चूंकि एक्स बटे में है अभी नीचे है, हमें एक्स को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो आप एक काम करिए, आप इस संख्या को यहाँ ले जाइए। ओके, हम लोग एक काम कर लेते हैं, ये हमने किया 2100, ठीक है, यहाँ पर आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, यहाँ पर आ गई नीचे की संख्या, कहाँ पहुँच गई, ऊपर पहुँच गई, एक्स बटे एक। ओके, बटे में एक का कोई सेंस नहीं है। ये जो 84 उसको आप यहाँ ले, यहाँ पर ये है बराबर के, इस तरफ भी आएगा, कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट था वो वहाँ पर। अब हमें इसकी वैल्यू काउंट करना है, वैल्यू निकालना है, तो एक्स के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, काट के देखते हैं, ये 4 से कट जाना चाहिए, बाय द वे ये 21 से भी कट जाएगा, 21 का टेबल बढ़ जाए, 21 इक्वल 0, 21 चौके 84, वो 4 से काट दिए, ये आ गया 25। सो एक्स बराबर हमारा आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स, 25। देखिए हमारा आंसर आ रहा 25, ऑप्शन नंबर बी, हमारा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 40.40 डिवाइडेड बाय 0.08 होल अपॉन 0.004 मल्टीप्लाई 20। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है दिए हुए टाइम में, जल्द से जल्द देखेंगे। यहाँ पर ये डिवाइड आ गया है, तो डिवाइड को आप सॉल्व कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लीजिए, संख्या पलट जाएगी, 1/0.18 डिवाइडेड बाय कितना लिखा है 0.004 मल्टीप्लाई 20। सबसे पहले हमें दी गई संख्या में से डेसिमल को हटाना है, दो मिनट के लिए समझ लीजिए, यहाँ कुछ भी नहीं ऊपर, इसमें ऊपर और नीचे की जो संख्या है इसमें देखो डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, दो, तो संख्याएं हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी है एक, तो आप एक काम करो दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर एक संख्या और लगा दी, ठीक है गाइस, ये क्या हो गया, यहाँ पर दशमलव हट गया, यहाँ पर दशमलव हट गया, आप इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा, हमने सॉल्व किया, ये आ गया हमारा जीरो से हमने जीरो को काट दिया, और बाकी हम इसको और काट लेते हैं, ये आ गया हमारा, हम इसको ठीक है, हम इसको दो से काट लेते हैं, चार से काट लेते हैं, चार दूनी आठ, चार एकम चार, चार शून्य शून्य, चार एकम चार, बचा है दो, इसमें भाग दे दो कितना जाएगा 50.5। ओके, ये हमारा इसका आंसर हो गया, इतना ऊपर वाले का सर बटे किया, नीचे फिर से यही संख्या आ रही है 0.004 मल्टीप्लाई 20। ओके, मैंने आपको बताया दशमलव हटाने के लिए क्या करना, तो नीचे 3 डिजिट है मैक्सिमम, ऊपर भी आप 2 डिजिट और बढ़ा दीजिए, डेसिमल हट गया। अब संख्या को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो गया, अब संख्या को सॉल्व करने के लिए 0 से 0 को काट दिया, इससे इसको काटना है, तो हमने क्या किया, हमने 2 से इसको काट दिया, तो यह जाएगा 25। अब 4 से इसमें भाग जाएगा, अर्थात चूंकि कटेगा नहीं तो भाग जाना चाहिए, तो हम लोग इसमें भाग दे करके देख लेते हैं, 25 से 4 से भाग दिया, सबसे पहले मैंने आपको बताया था 2 डिजिट लेंगे आप, 4 6 24, ये 1 आ गया रिमेन, अब उधर क्या आएगा 2, 4 का टेबल पढ़ेंगे हम, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 दिया 12, ये हमारा कट जाता है, अब कितना उतरेगा 5, फिर से भाग देंगे 4 एकम 4, बचेगा कितना 1, अब भाग नहीं जा सकता और ऊपर संख्या भी नहीं बची, तो हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, हमें 0 मिलेगा, 4 दूनी 8, बचा 2, और अब आ गया 0, तो अब डायरेक्ट 4 बन जाए, क्या हो जाएगा 20, अर्थात ये यहाँ पर सॉल्व हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 631.25। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अभी मैं चूंकि आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, बाकी जब हम इसको स्वयं सेल्फ स्टडी में करते हैं तो और स्पीड से करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन हमको निर्धारित समय देगा मात्र 30 सेकंड के लिए, आप 30 से 40 सेकंड लगा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 0.88
डिवाइडेड बाय 0.0088 मल्टीप्लाई 8। हमें इस क्वेश्चन की वैल्यू को फाइंड करना था, थोड़ा सा देखेंगे जल्द से जल्द इसको करेंगे हम लोग। इसके बीच में ये क्या लिखा हुआ डिवाइड, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 0.88, इसको हमने कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई में बदल दिया, तो ये बाद वाली संख्या जो ऊपर आ क्या हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक है, तो पलट के वो कहाँ जाएगा ऊपर बटे नीचे क्या गया 0.12308 देन मल्टीप्लाई 8। ओके गाइस, अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, थोड़ा सा देख लेंगे कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए ऊपर और नीचे सब में बटे बना लेंगे, ये बना दिया हमने बटे में एक, ये बटे में एक। ओके, नीचे सिर्फ एक ही संख्या है, ऊपर दो संख्या है, हमें यह करना है यहाँ पर हमको दशमलव को हटाना सबसे पहला काम है। दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के बाद यहाँ कितने डिजिट हैं 5 डिजिट, तो हम भी यहाँ पर कितने डिजिट बना लेते हैं, टोटल 5 डिजिट ही बना लेते हैं, हमने ये 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा दीजिए। इसका मतलब क्या है, अब इस संख्या में डेसिमल नहीं बचा, देख लेते हैं संख्या क्या बची, संख्या हमें जो दिख रही है वही हमारा सॉल्यूशन करने में हेल्प करेगा, एक का कोई सेंस नहीं है दिखे रहने का, डिवाइडेड बाई यहाँ पर संख्या कितनी दिख रही है मात्र 8। अब एक क्वेश्चन को आईने के जैसे साफ हो चुका है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, नीचे आ गया 11 से संख्या को काट देंगे 11, 8, 88, 1, 2, 3, हमारा आंसर आ गया है फ्रेंड्स 8000। देखिए हमारा ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 0.324 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 1.8। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, सबसे पहला काम हम लोग बात कर देते हैं, एक कॉल कर लीजिए डेसिमल खत्म हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम डिजिट है 3 और यहाँ पर है 1, तो हम क्या करते हैं 2 डिजिट बढ़ा देंगे, ये 2 डिजिट हमने बढ़ा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे दशमलव के बाद की संख्याएं हमारी जो है तो बराबर हो चुके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दशमलव की कोई वैल्यू नहीं बची, संख्या क्या हो जाती है 324 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 1800। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा देखेंगे, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 00 लिखा है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका तो इसमें मल्टीप्लाई है ही। अब देखिए आप कितना सारा हो जाएगा, 18 से 18 को काट दिया, बचा क्या 324 डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड करना बहुत ईजी है, क्या करेंगे पीछे से दो संख्या बाद हम क्या कर देंगे दशमलव लगा देंगे, और फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा, सो हमारा आंसर जो है वह हो जाएगा आंसर नंबर बी। फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 49 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 14 बाय 9। यहाँ पर हमको वैल्यू जो है इस क्वेश्चन मार्क के निकालना, हम लोग इस क्वेश्चन मार्क को लिख लेते हैं एक्स, अर्थात हमें x की वैल्यू निकालना है, देखेंगे इसको हम लोग लिख लेते हैं कैसा 49 डिवाइडेड बाय 7, आप ऐसा भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाय 9। फ्रेंड्स देखिए हमको वैल्यू किसकी निकालनी है x की, ये जो संख्या है इसको आप इस तरफ ले जाइए, यहाँ पर x बचा है, यहाँ पर पहले से कौन बैठा है 49 डिवाइडेड बाय 7, इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे, ये यहाँ पर आया मल्टीप्लाई। जब भी मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन की कोई संख्या आती है, भिन्न की कोई संख्या आती है, तो बराबर के इस तरह वह संख्या पलट करके जाती है। ओके फ्रेंड्स अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 सदियाँ 49, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा है हमारे पास 9/2, 9/2 अर्थात होता है 4.5। ओके नॉर्मली हम लोग समझ सकते हैं 9 का आधा कितना होता है 4.5, तो फ्रेंड्स हमारा एक क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चला 8 की ओर चलेंगे 380/472 डिवाइडेड 19 बाय x इज इक्वल टू 10। इस क्वेश्चन को हमको जल्द से जल्द करना है, 380 डिवाइडेड बाय 472 इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करने वाला इफेक्ट ये आएगा कि बाद वाली संख्या में चेंजेस हो जाएंगे, इज इक्वल टू 10, हमें वैल्यू x की फाइंड करना है, इस संख्या को यहाँ ले जाइए, यहाँ बच्चा है x डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल टू 10, यहाँ पहले से है, इस संख्या को यहाँ लेके आई मल्टीप्लाई में आ गया, ये संख्या यहाँ आएगी तो पलट कर आएगी 472 डिवाइडेड बाय 380
अब एक बार ही हम काट सकते हैं इसको, मतलब काटने को कई बार काट सकते हैं, बट यहाँ पर हमको सहूलियत है कि अगर हम एक बार काटेंगे तो कि 19 डिवाइडेड में नीचे इसको हम यहाँ ले जाते हैं कि ये मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करेंगे, 19 से ये काट दिया, 0 0 0 काट दिया, 2 से हमने इसको काट दिया, तो 2 4 2 3 6 तो अच्छी बात। x इज इक्वल टू 236। सो फ्रेंड्स हमारा आंसर इसका आ जाता है आंसर सी। फ्रेंड्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 5 डिवाइडेड बाय 0.00005 इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2000। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करते हैं। पहले एक काम करते हैं, बराबर के दोनों तरफ की संख्याओं कैलकुलेट कर लीजिए, आसानी होगी। हमने ऐसे इसको कैलकुलेट किया, ये 5 डिवाइडेड बाय 0.00005, इसको हमने यहाँ किया बराबर 2.5 मल्टीप्लाई एक्स, सॉरी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। इसको हमने कैलकुलेट किया, 2 मिनट के लिए सोचिए, इसमें डेसिमल नहीं है, 25 हो गया, 25 का 2 में बढ़ा दीजिए, 25 2 50, 3 संख्याएं लगा दीजिए, ओके। पीछे से एक संख्या और डेसिमल लगा दीजिए, संख्या कितनी होगी 5000 मल्टीप्लाई एक्स। यहाँ पर इसका दशमलव हटा लीजिए, दशमलव हटाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, दशमलव बाद कितने अंक, 1 2 3 4 ये 5, तो 5 संख्याएं लगा लीजिए, 2 3 4 ये 5 5 0 लगा दीजिए, क्या हो गया, ये डेसिमल हट गया और संख्या सॉल्व हो गई। इससे हमने इसको काटा तो यार 1 5 टाइम 0 इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको लिखा 1 लाख डिवाइडेड बाय 5000 इज इक्वल टू एक्स, 3 0 3 0 काट दिए, 5 8 20। सो फ्रेंड्स एक्स इज इक्वल टू इसका हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा सी। इस क्वेश्चन को आप स्पीड में करने के लिए आप चाहें तो इसके बटे में डायरेक्ट आप 5000 ला सकते हैं, या इसको मल्टीप्लाई नहीं करना तो डायरेक्ट इन दोनों संख्याओं को इसके मल्टीप्लाई में ले। नंबर 10 की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 560 मल्टीप्लाई रूट एक्स डिवाइडेड बाय 3.6 इक्वल टू 2800 मल्टीप्लाई 3। इस क्वेश्चन को करना है हमें जल्द से जल्द, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना, तो हम इसको चेंज करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 560 मल्टीप्लाई रूट एक्स, डिवाइड चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो बाद वाली संख्या जो है वह पलट जाती है, नॉमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का नॉमिनेटर, ये हो गया 1/3.6 बराबर। यहाँ की संख्या जैसी की तैसी रहने दीजिए, कुछ ये मत कीजिए, ओके। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, देखिए हमें मान किसका निकालना है, मात्र एक्स का, तो आप एक काम करें, ये वैल्यू और ये वैल्यू इन दोनों को आप इस तरफ ले जाएं तो कैलकुलेशन ओनली ऑन वन साइड रहेंगे। ये हमने निकाला रूट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले से कौन है 2800 मल्टीप्लाई 3, देखिए ये 560 है, ये ऊपर है अभी आप देख सकते हैं, ये जब बराबर किस साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो बटे में आ गया 560, ओके। देन ये जो 3.6 है, 3.6 जो है वो कहाँ चला जाएगा, 3.6 चला जाएगा ऊपर, तो हमने ये ऊपर भेज दिया 3.6। अब हमें इसको काटना है, तो काटने के लिए काम करते हैं, यहाँ दशमलव, दशमलव को भी हटा लेते, दशमलव को हमने हटाया तो नीचे एक जीरो बढ़ गया, ओके। कट सकता है तो काट देते हैं, ये 00 से 00 काट दिए, 28 एकम 28 28 दूनी 56, 2 से इसको काट लीजिए, ये आ गया 18। इसके बाद रूट एक्स बराबर 18 3 54। अब फ्रेंड्स यहां पर देखेंगे हमें रूट एक्स का मान निकालना है, यहां पर अर्थात हमें मान चाहिए एक्स का, इस रूट को यहां से भेजा तो यहां पर चूंकि रूट है लेकिन इसमें कोई पावर नहीं लगी, इसमें मतलब बाय डिफॉल्ट कितना है 2, तो ये यहां से हटा तो यहां पर लग गई पावर। अब पावर लग गई है इसका मतलब क्या है,
54 का 54 में दो बार बोला अर्थात स्क्वायर निकालना। तो फ्रेंड्स स्क्वायर निकालने की ट्रिक आप लोगों को पता होगी, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, देख लेंगे मेरे साथ एक नजर, मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। ये जो 54 है ये 25 से 50 से कितना ज्यादा है, 4 से कितना ज्यादा है, 4। और जो 50 है उसका स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर होता है 2500 होता है। हम लोगों को ये मान के चलना है कि लेफ्ट साइड पे हम 25 को कैलकुलेट करके चल रहे हैं। यहाँ पर हमने आपसे बोला ये 54 50 से कितना ज्यादा है, आपने बोला कि सिर्फ 4 ज्यादा है, तो हमने एक काम किया लेफ्ट साइड पर 25 में हमने 4 जोड़ दिए, ओके। देन राइट साइड पर दो अंकों में हमें उसी संख्या का स्क्वायर लिखना है जो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, इसका स्क्वायर दो अंकों में चलेगा। तो इसका स्क्वायर निकाला कितना हो गया, 16, इसको टोटल किया कितना हो गया, 29। सो फ्रेंड्स इसका आंसर आ गया 2916, इसका जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 2916। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा ही आंसर हो, ओके। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।